हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंटीनेटल क्लासेस। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही है। ओके, तो आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नए कॉन्सेप्ट को लेके, जो कि है होलिस्टिक मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट में से भी एग्ज़ाम में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिए, पूरा देखिए। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक भी कीजिए और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। और इस वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए तो मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है, उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ पर जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है, तो इस वीडियो में भी हम लोग इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो होलिस्टिक मार्केटिंग इज़ अ बिजनेस मार्केटिंग फिलोसफी। ये बिजनेस मार्केटिंग की फिलोसफी है विच कंसिडर्स बिजनेस एंड ऑल इट्स पार्ट्स एज अ वन सिंगल एंटिटी, जो कि बिजनेस और इसके जो पार्ट्स हैं उसको वन सिंगल एंटिटी के रूप में कंसिडर करती है एंड गिव्स अ शेयर्ड पर्पज टू एवरी एक्टिविटी एंड पर्सन रिलेटेड टू दैट बिजनेस। उस बिजनेस से रिलेटेड जो भी पर्पज, जो भी पर्सन है, जो भी एक्टिविटी की जाती है, तो उसको एक शेयर दिया जाता है, उसको एज अ होल के रूप में उसको स्टडी किया जाता है। ओके, अब बिजनेस इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन बॉडी, इट हैज़ डिफरेंट पार्ट्स बट इट्स ओनली एबल टू फंक्शन प्रॉपर्ली व्हेन ऑल दोज पार्ट्स वर्क टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव। मीन्स जो बिजनेस है इसमें एक ह्यूमन बॉडी की तरह काम करता है, जिसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो प्रॉपर्ली काम तभी कर सकते हैं, तभी फंक्शन कर सकते हैं जब वो एक सेम ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए एक साथ काम करते हैं। होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एनफोर्स दिस interrelatedness and believes that a broad and integrated perspective is essential to attain best results. Means इसके according कि आपने किसी भी एक जो आपका जो गोल है उसको अटेन करना है, उसको बेस्ट रिजल्ट आपने लेने हैं, आपने प्राप्त करने हैं, तो उसके लिए आपको सभी को मिलजुल के, सभी को एज अ इंटीग्रेटेड, एज अ होल के रूप में काम करना पड़ेगा। इसके कुछ फीचर्स हैं देख लेते हैं। दैट इज फर्स्ट वन है अ कॉमन गोल। तो होलिस्टिक मार्केटिंग का क्या माना है कि जो एक बिजनेस है उसका एक कॉमन गोल होता है और जो सभी इसके पार्ट्स हैं उसको उस सिंगल वन गोल को अचीव करने के लिए, सभी उसको अचीव करने के लिए काम करते हैं, उसकी तरफ सब लोग फोकस्ड रहते हैं। और वो जो वन गोल है दैट इज़ ग्रेट कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर का ग्रेट एक्सपीरियंस ही होलिस्टिक मार्केटिंग का एक सिंगल, एक कॉमन गोल रहता है, ठीक है। अलाइंड एक्टिविटीज़, ऑल द सर्विस प्रोसेसेस, कम्युनिकेशन एंड अदर बिजनेस एक्टिविटीज शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कॉमन गोल। जो भी एक्टिविटीज़ हैं, सर्विसेज हैं, प्रोसेसेस हैं, कम्युनिकेशन या अदर जो भी कोई भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, वो सभी उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए ही की जाती हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़, इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़ का मतलब है कि ऑल एक्टिविटीज शुड बी डिज़ाइन एंड इंटीग्रेटेड इन सच अ वे सो एज टू क्रिएट अ यूनिफाइड, कंसिस्टेंट एंड सीमलेस कस्टमर एक्सपीरियंस। मीन्स उन एक्टिविटीज़ को इस तरह से डिज़ाइन और इंटीग्रेटेड वे में उसको डिज़ाइन किया जाना चाहिए ताकि वो एक यूनिफाइड, कंसिस्टेंट और सीमलेस कस्टमर एक्सपीरियंस को क्रिएट कर सकें, ठीक है। उसके बाद आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ होलिस्टिक मार्केटिंग। तो इसके कौन से कंपोनेंट्स हैं, दैट इज़ इंटरनल मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, सोसाइटल मार्केटिंग एंड रिलेशनशिप मार्केटिंग, ठीक है। तो इनको वन बाय वन हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले आता है रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग जो है वो भी होलिस्टिक मार्केटिंग का एक कंपोनेंट है, जो फोकस करता है लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप एंड एंगेजमेंट के ऊपर रदर दैन शॉर्ट टर्म गोल्स लाइक कस्टमर एक्विजिशन एंड इंडिविजुअल सेल्स, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी है वो फोकस करती है टारगेटिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज ऑन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल एंड ओवर लास्टिंग कस्टमर कनेक्शंस। मीन्स रिलेशनशिप अपने अपने जो कस्टमर के साथ, जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनके साथ अपने स्ट्रॉन्ग इमोशनल और ओवर लास्टिंग कनेक्शंस हैं वो उनके साथ बनाने हैं। दिस कनेक्शन फर्दर हेल्प द बिजनेस इन गेटिंग रिपीटेड सेल्स। जब आपके जो आपके कस्टमर्स के साथ वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, इमोशनल रिलेशनशिप बन जाएंगे, तो वो आपको हेल्प करेंगे आपके बिजनेस में रिपीटेड सेल करने के लिए। आप दोबारा भी उनको सेल कर सकते हो। फ्री वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग मीन्स आप एक बार उनको बोल दोगे तो आपके कहने पर भी वो उस प्रोडक्ट को जो है वो ले लेंगे, उसको परचेस करेंगे एंड मोर लीड्स, ठीक है। तो ये है रिलेशनशिप मार्केटिंग। उसके बाद आता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग क्या है कि ये अप्रोच है, ये बताती है कि
कंज्यूमर टू इंटरेक्ट विद द ब्रांड बाय डिजाइनिंग एंड डायरेक्टिंग ऑल कम्युनिकेशन एडवर्टाइजिंग सेल्स प्रमोशन डायरेक्ट मार्केटिंग पब्लिक रिलेशन एंड डिजिटल मार्केटिंग इन सच अ वे सो दैट ऑल वर्क टुगेदर एज यूनिफाइड फोर्स एंड सेंटर अराउंड अ स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड ब्रांड इमेज. मीन्स जो भी हमारे जो भी कम्युनिकेशन या जो भी काम किए जाएंगे एडवर्टाइजिंग सेल्स प्रमोशन डायरेक्टिंग मार्केटिंग पब्लिक रिलेशन डिजिटल मार्केटिंग जो भी सारे काम किए जाएंगे वो मिलके वर्क टुगेदर सभी एक यूनिफाइड फोर्स की तरह काम करेंगे और एक सिंगल जो सेम गोल है उसकी तरफ फोकस रहेंगे वो जो कि है ब्रांड इमेज. मीन्स प्रोडक्ट की ब्रांड इमेज को बनाए रखने के लिए सब लोग मिलकर काम करेंगे. तो इंटरनल मार्केटिंग क्या है? तो इंटरनल मार्केटिंग में कि जैसे हम सबको पता है कि किसी भी बिज़नेस के जो हैं वो टू टाइप्स के जो हैं वो कस्टमर होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. तो हमें एक्सटर्नल कस्टमर पर फोकस करने से पहले हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इंटरनल कस्टमर को भी हमें अननोटिस नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो इंटरनल कस्टमर होते हैं एम्प्लॉयज़ वगैरह ये बहुत ही वाइटल रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी ब्रांड इमेज और प्रोडक्ट्स को उसको बनाए रखने के लिए टू द एक्सटर्नल कस्टमर्स ऑफ द बिजनेस. और एक्सटर्नल जो कस्टमर्स हैं उनको भी बनाए रखने में वो हेल्प करते हैं. इंटरनल मार्केटिंग ट्रीट्स एम्प्लॉयज़ एंड स्टाफ एज इंटरनल कस्टमर्स. इंटरनल मार्केटिंग जो है वो एम्प्लॉयज़ और स्टाफ्स को एज अ इंटरनल कस्टमर की तरह ट्रीट करती है, ठीक है. हु मस्ट बी कन्विंस्ड ऑफ कंपनी विजन एंड वर्क जस्ट एग्रेसिवली एज एक्सटर्नल कस्टमर्स. क्योंकि ये जो है वो जो कंपनी के विजन हैं उनको जस्ट उनको वर्थ करते हैं, उनको समझते हैं, ठीक है. इट ऑल्सो involves crafting processes which make them understand and their role in the marketing process. तो जो कि उनको इन्वॉल्व करवाते हैं, उनको वो उनको समझते हैं मार्केटिंग प्रोसेस में, उनके रोल को समझते हैं, ठीक है. उसके बाद आता है socially responsible marketing. तो socially responsible marketing aspect of the holistic marketing concept involves a broader concern of the society at large, ठीक है. ये broader concern सोसाइटी के साथ ब्रॉडर कंसर्न रखते हैं. इट रिक्वायर्स द बिजनेस टू फॉलो सर्टेन बिजनेस एथिक्स. ये मानते हैं कि बिजनेस को कुछ बिजनेस एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा. फोकस ऑन पार्टनरशिप्स विद फिलंथ्रॉपिक एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस. तो जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ भी पार्टनरशिप बनाए रखनी चाहिए. अ बिजनेस इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड रिक्वायर टू डू रीपे द सेम. क्योंकि बिजनेस जो है वो सोसाइटी का ही एक पार्ट है और सोसाइटी से बहुत कुछ उसने लिया होता है, तो सोसाइटी को भी उसे सेम ही रीपे करना पड़ेगा. मींस जो भी सोसाइटी है उसके लिए उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना चाहिए. सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग एनकरेज द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन कंपनी स्टेक होल्डर. जो भी कंपनी के स्टेक होल्डर, जो भी कंपनी से किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं, तो अगर कोई कंपनी अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करती है तो वो स्टेक होल्डर्स के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका पड़ता है, ओके. तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया है. और तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.